हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए तो आज मैं आपके सामने जो है एक खुशखबरी लेके आया हूँ न्यूक्लियन कोटा फैमिली की ओर से कि हम बहुत जल्दी टारगेट 2022 और 23 के लिए नए ऑनलाइन ईयर लॉन्ग कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन कोर्स में ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, कब से शुरू होने वाला है और इसके बारे में दूसरी चीज़ें क्या है, फिनिशिंग डेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो ये अब सभी बच्चों के लिए इसलिए खुशखबरी है कि अब वो घर बैठे कोटा के कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं, उसी लेवल के साथ जिसे वो कोटा में आके तैयारी करते हैं, उसी कंटेंट के साथ उनकी तैयारी हो सकती है। अब जहाँ इतनी सारी कोचिंग्स हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियन ही कंसिडर क्यों करना चाहिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला जो हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो है IITN फैकल्टीज़। तो हमारे पैनल पे IITN फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने कोटा की कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है और सारे लोग एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि जिन्होंने क्लासरूम में कई सारे बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है क्लासरूम टीचिंग का, वो सभी के पास है और स्पेशली कोटा का एक्सपीरियंस है, ताकि बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि उसको कोई जो है नया न्यू कमर जो है वो टीचर पढ़ाने लग जाए और उसको पता ही ना चले साल भर पढ़ने के बाद कि असली तरीका जो है तैयारी का क्या है। तो हमारे टीचर जो है वो आपको बताएंगे, हमारी फैकल्टी आपको बताएगी कि सही मेथोलॉजी क्या है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है कोर कंटेंट। कोर कंटेंट ऑफ कोटा का मतलब ये है कि क्या थ्योरी यहाँ फॉलो की जाती है, क्या चैप्टर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, स्टडी मटेरियल कैसा होता है, ठीक है ना, और टेस्ट किस तरीके से लिए जाते हैं। तो कोर स्ट्रेंथ, कोर कंटेंट ऑफ कोटा हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है और वो मोस्ट ऑर्गेनाइज मैनर में, यानी कि सिलेबस ऐसा ना हो कि रैंडमली हम लाइव क्लास ले लें यूट्यूब पर और बच्चों को पता ना चले कि टॉपिक कहाँ तक है, कितने इसमें सब टॉपिक्स हैं और उनको किस एक्सटेंड तक कवर करना होता है। ठीक, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी बच्चे के लिए रखे हुए हैं, यहाँ पर उसको ये पता चल जाएगा कि ये लेक्चर, ये टॉपिक पर्टिकुलर कितने लेक्चर्स में ख़त्म हो रहा है और हर लेक्चर में इन्होंने क्या कंटेंट कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उससे उसे पता लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है सिस्टमेटिक वे में। तो जो ऑर्गेनाइज वे है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे की तैयारी के लिए। ठीक, इसके बाद जो अगली चीज़ है कि क्वालिटी मेंटेन करते हुए हमने कोशिश की है कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्राइस लो कॉस्ट मॉडल पर रहे, यानी कि अफोर्डेबिलिटी सभी के लिए रहे, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, ये मोटो रखते हुए हमने अपने कोर्सेज की प्राइस डिसाइड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ आपको मिलेगी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जिनकी कीमत 10 गुना या 5 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अपने मॉडल में सबसे बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट है और अफोर्डेबिलिटी के साथ है, लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमने रखा हुआ है। ये चीज़ें आप भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी के बारे में। ठीक है, अब कोर्स के बारे में आता हूँ कि जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयर लॉन्ग कोर्स, इसमें क्या क्या खासियत है। ठीक है, तो दिस इज़ अ इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग बेनिफिट ऑफ बोथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस। ठीक है, अब मैं इनके बारे में सिलसिलेवार बताता हूँ कि इन दोनों के क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के क्या बेनिफिट है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे सारे HD क्वालिटी में है और ग्रीन बोर्ड की शूटिंग में है और विद स्टूडेंट हमने शूट किया हुआ है क्लासरूम ऑफ कोटा में, यानी कि बच्चे को जो है रियल फील आए कि ये क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है चीज़ और सेम कंटेंट हमको डिलीवर किया जा रहा है जैसा कि कोटा के रियल क्लासरूम में होता है। ठीक, तो ग्रीन बोर्ड की खासियत है कि आई फ्रेंडली होता है, यानी कि बच्चे को जैसे क्लास अटेंड करता है, 3 क्लास अटेंड की, 4.5 घंटे की क्लास है, अब 4.5 घंटे अगर वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे गुजारेगा तो उसकी आईज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लंबे समय तक आप देखेंगे आँखें ख़राब हो सकती है, तो वो नुकसान से बचाने के लिए सारे वीडियोस हमारे ग्रीन बोर्ड पे हैं जिससे आपकी आँखों पे गलत असर ना पड़े, बुरा असर ना पड़े। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए बेस्ट टूल है रिवीजन के लिए, यानी कभी भी आपने जो है कोई टॉपिक ख़त्म हो गया लाइव क्लासेस में और आपको लगा कि यार मुझे टॉपिक दोबारा पढ़ना है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर है वो बहुत हेल्पफुल है, यानी कि आप उसमें पर्टिकुलरली चुन सकते हैं कि ये पोर्शन मेरा वीक है तो इसी लेक्चर को मुझे देखना है। जरूरी नहीं कि आप पूरा टॉपिक 1 से लेकर 10 लेक्चर तक या जितने भी हैं वहाँ तक देखें, आप पर्टिकुलर किसी लेक्चर को चुन के उसी कंटेंट को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये है कि जिस दिन आपने सब्सक्रिप्शन लिया सेम डे आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी साल भर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जो साल भर पढ़ाया जाने वाला है वो डे फर्स्ट पे आपके पास है। ठीक है, और विद सिक्वेंस है इन ऑर्गेनाइज मैनर। ठीक है, ये इसकी खासियत है, किसी भी समय आप देख सकते हैं, यानी लाइव क्लासेस के लिए आपको वेट करना पड़ता है स्लॉट का, लेकिन इसमें ये खासियत है कि आप किसी भी समय देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं।
मान लीजिए आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में है, पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो वो टॉपिक के लिए आपको लाइव क्लासेस में हो सकता है कि 6 महीने वेट करना पड़े, लेकिन आप यहाँ पर डे फर्स्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो कोटा का जो स्टडी मटेरियल है हमने उसको लेते हुए उसके बेस्ट कोटा कोचिंग के जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करते हुए हमने एक मॉड्यूल हम आप बच्चों के लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलने चाहिए। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है कोटा का उसकी जो मेथोलॉजी है वो है DPP एंड शीट। तो DP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको दी जाती है, इसमें यह होता है कि लेक्चर के साथ आप कंटेंट को क्वेश्चंस को करते रहें और चैप्टर को सीखते रहें। ठीक है, तो DPP हम देंगे साथ में, इसके साथ देंगे हम प्रॉब्लम शीट। ठीक है, तो शीट एक वेरियस क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरह के, जैसे मल्टीपल चॉइस आपका आ रहा है, एसेशन रीजनिंग है, तो इन सबको कंबाइन करते हुए जो है हमने शीट तैयार की हुई है। ठीक है, शीट के लास्ट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसका सही आइडिया मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने लग जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखें लगातार और उनसे आपको बिल्कुल सटीक अनुमान लगेगा कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, और ये भी पता लगेगा कि जो मैं सीख रहा हूँ क्या मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर आपने सीख लिया क्लासेस करके, तो आप उसके JEE के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब तैयारी में कहीं कोई कमी है। तो बच्चे का इवेल्यूशन तैयारी का लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हमारा फीचर है प्रोग्राम का वो है लाइव क्लासेस। ठीक है, तो लाइव क्लासेस हम साथ में क्यों दे रहे हैं, उसका कारण है कि रेगुलर शेड्यूल, यानी कि बच्चा रिकॉर्डेड पहले दिन जो है उसको लेक्चर मिल गए सारे। ठीक है ना, अनगिनत वीडियो हैं, ठीक है, हजारों वीडियो हैं, लेकिन उसको जो है उन सबको देखना कैसे है उसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा हमसे जुड़ के एक रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करे। ठीक है, अब ये रिकॉर्डेड और लाइव में, लाइव क्लासेस में हम थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड में थ्योरी है, लाइव क्लासेस में भी हम थ्योरी पढ़ाएंगे और हम बैचेस को वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे कोटा में स्टार्ट होता है। यानी कोटा की मेथोलॉजी है कि क्लास में टीचर आया, थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद उसने होमवर्क दिया और होमवर्क करने के बाद उसने डिस्कशन किया उन क्वेश्चंस का। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी डिटेल में, उसके बाद जब आप उसी टाइम थ्योरी पढ़ते समय, अब क्लास रूम में ये होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, कोई डाउट आ गया पूछ लिया टीचर से, यहाँ पर क्या होगा आपके साथ, इसमें आपको चैट बॉक्स मिलेगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट आया पढ़ते समय तो आप अपना डाउट जो है चैट बॉक्स में लिखेंगे और वो हमारा टीचर देख के, फैकल्टी देख कर उसका जवाब इमीडिएटली आपको देगा। ठीक है, तो ये आपका टू वे इंटरेक्शन सिस्टम रहेगा जिसमें आप टीचर से डाउट ऑनलाइन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी रहेगी। इसके बाद थ्योरी कवर करने के बाद स्टडी मटेरियल में से हमने होमवर्क दिया, होमवर्क आप करके अगले दिन क्लास में आओगे जैसे कोचिंग पे आते हो, तो अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो आपको उन क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए वो आप डाउट पूछोगे। अब कैसे पूछोगे, चैट बॉक्स में आप एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4 लिख दोगे, जैसे अगर आपको पूछना है 4th क्वेश्चन, तो हमारी फैकल्टी उन क्वेश्चंस को देखकर ऑनलाइन वो क्वेश्चन सॉल्व करेगी। ठीक है, और आपके साथ इंटरेक्शन में रहेगी कि आपको वो सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया, आप वहाँ अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते उस चीज़ को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे के पार्ट से कि वो होमवर्क रेगुलर करे, और टीचर के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सोल्व कराए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कोचिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, डाउट आस्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो रेगुलर डिस्कशन होगा, जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसका रेगुलर डिस्कशन होगा। अगर मान लीजिए कोई क्लास आप मिस कर देते हैं, नहीं अटेंड कर पाए, तो उसका जो रिकॉर्डेड बैकअप होगा वो हमारी ऐप पर होगा, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बाय चांस अगर आप, वैसे तो हम कहेंगे कि रेगुलर क्लास अटेंड करो, लेकिन फिर भी कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, किसी तरीके से बच्चे की तबीयत खराब हो गई या कोई फंक्शन में चला गया, तो वो जो क्लास उसकी मिस हुई है वो बैकअप वो आराम से देख सकता है। ठीक है, अब ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम देते रहे। तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए हमने ऐप पर चैप्टर वाइज टेस्ट रखे हुए हैं कि कोई भी टॉपिक आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं या हमारे साथ देख रहे हैं, तो आप उसका टेस्ट इमीडिएटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट है, जो कि आपको लगे, कभी कॉन्फिडेंट हो आप कि मैं पूरा सिलेबस कर चुका हूं, तो आप फुल सिलेबस टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो पहले से ही प्रीलोडेड है। ठीक है, अगला जो है, जो कोचिंग का एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि बच्चे को जो पढ़ाया उसका टेस्ट लिया जाना चाहिए, तो उस टेस्ट को हम नाम दे रहे हैं यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या होगा कि मान लीजिए 1 महीने में जो भी आपको कवर करवाया गया है सिलेबस, उसका टेस्ट हम बना के आपको ऑनलाइन करवाएंगे। ठीक है,
ऑनलाइन टेस्ट की खासियत ये रहेगी कि इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट फैसिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम आपने दिया उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब ये है कि टेस्ट देने के बाद हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर है उसमें। उससे क्या होगा कि अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपने गलती की है, तो आप देख सकते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है। और कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद भी आप उसको देखेंगे यार इसमें क्या कंसेप्ट था जो मैं नहीं कर पाया या मैं अटेम्प्ट नहीं किया। तो आप क्वेश्चन अगर करेंगे, ठीक है, कोई सॉल्यूशन को देखेंगे, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी सब्जेक्ट को सीखने में, ठीक है। अब अगली चीज़ है कि कई जगह ऐसी है, रिमोट एरिया है, जहाँ ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर जो है पेन ड्राइव में भी हम अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि कोई इंटरनेट की आवश्यकता इसके लिए है नहीं, आपको बिना इंटरनेट के आप सारी वीडियो देख सकते हैं और 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0742821666, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। मेल कर सकते हैं support@nucleonplus.com, और हमारी इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.nucleonitjkota.com, ठीक है, ये वेबसाइट आप लॉन्च विजिट कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में बाकी डिटेल यदि आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन को जो बॉक्स होगा उसमें इसके बारे में सारी डिटेल रहेगी कि कब से कोर्स स्टार्ट होगा, इस कोर्स की फिनिशिंग डेट क्या रहेगी, इसकी फ़ीस क्या है, डेली कितनी क्लास लगेगी, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियन की ओर से आप सबको जो है स्वस्थ रहने के लिए जो है हम आपको मोटिवेट करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और एग्ज़ाम की तैयारी रेगुलर करते हुए सफल रहने का प्रयास करें, ठीक है, अपने पूरे मन से आप प्रयास करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।